किंग जॉर्जस मेडिकल यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। दोस्तों उत्तर प्रदेश में ये वैकेंसी आ चुकी है नर्सिंग की, जिसके लिए बहुत लंबे समय से स्टूडेंट वेट करते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छे इसमें सैलरीज मिलती हैं, बहुत अच्छी पोस्टिंग है। ये आपकी वैकेंसी है जर्नल एंड बैकलॉग रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर। डिटेल ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसका, यानी CBT है इसमें भी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें। और देख लेते हैं हम इसमें क्या क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया रहने वाला है। लैंग्वेज भी इसमें मांगी गई है, इंग्लिश या हिंदी होनी ज़रूरी है आपके पास, मैट्रिक लेवल या फिर 12th लेवल तक। इसमें क्या प्रोसेस होने वाला है, क्या क्या इसमें लगेगा, सबकी हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के साथ बने रहें एंड तक, क्योंकि हम इसमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की बात करेंगे। जैसे ये टेबल हमारे पास आ गई है जर्नल रिक्वायरमेंट की, इसमें आपसे आपको बताया गया है कि क्या पोस्ट रहने वाली है, रिजर्वेशन कितना मिलेगा और किसके लिए कितनी सीटें अवेलेबल हैं। जैसे नर्सिंग ऑफिसर हैं 268 सीटें अवेलेबल हैं इसमें, SC के लिए, ST के लिए 26 है, 344 OBC के लिए, EWS के लिए 128 और अनरिजर्व के लिए 510 सीटें हैं। टोटल 1276 सीटें इसमें अवेलेबल हैं। वहीं इसमें 7th ग्रेड पर लेवल भी लगेगा, तो जैसे कि बताया इसमें सैलरी अच्छी है, सैलरी का पैकेज आप देख ही सकते हैं, 44,900 से स्टार्टिंग। दिव्यांग, इसमें जो है रिजर्वेशन का क्राइटेरिया का बात की जाए तो 4% इसमें रिजर्वेशन मिलेगा दिव्यांग्स को, यानी हैंडीकैप पर्सन को। और वहीं सर्विसमैन की बात करें तो सर्विसमैन को 5% का है। और डिपेंडेंट ऑन फ्रीडम फाइटर, यानी स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से कोई यदि है तो 2% का रिजर्वेशन उनके लिए है। और फीमेल के लिए 20% का रिजर्वेशन सीधा सीधा इसमें दिया जा रहा है। बात की जाए टेबल 2 की, बैकलॉग रिक्वायरमेंट की, तो इसमें भी वैकेंसी अच्छी खासी है। इसमें भी 11 पोस्ट SC की हैं, ST की इसमें कोई पोस्ट नहीं, OBC की 4 है, EWS और अनरिजर्व की इसमें कोई सीट नहीं है। टोटल 15 पोस्ट हैं इसमें, और इसमें भी रिजर्वेशन का क्राइटेरिया सेम है। इसमें भी आपको सेम क्राइटेरिया देखने को मिलता है, 4%, 5% और 2% और 20%। और देख लेते हैं इसमें क्या क्या आपसे मांगा गया है। अभी इसमें क्वालिफिकेशन का भी आएगा, एलिजिबिलिटी का भी आएगा, ये एप्लीकेशन फ़ीस का आ गया सेक्शन। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम जो फीस का इसमें क्राइटेरिया होने वाला है, क्या क्या आपसे मांगा वो चीज़ें हम यहाँ जर्नल इंस्ट्रक्शन। इसमें आपसे जो अनरिजर्व की फ़ीस रहेगी वो 1,000 रहेगी, और साथ में GST भी लगेगा उसमें, यानी 1,180 फीस रुपये हो जाएगी उनकी। वहीं OBC और EWS की बात की जाए तो 1,000 रुपये फीस होने वाली है GST के साथ, 1,180, यानी आपकी अनरिजर्व और OBC और EWS की सेम फीस रहने वाली है। SC ST और PWD इनकी फ़ीस में थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, और इनकी फ़ीस 708 रुपये रहने वाली है। और देख लेते हैं क्या इसमें नोटिफिकेशन में हमें देखने को मिलता है। कभी भी आप अगर फॉर्म भरें तो नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ें, क्योंकि नोटिफिकेशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो कि आप फॉर्म भरते समय नहीं ध्यान दे पाते। देखिए जैसे इसमें बताया गया है कि कॉल लेटर जो है वो आपको बाय पोस्ट भेजा जाएगा, एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा, माफ़ कीजिएगा, कॉल लेटर एडमिट कार्ड आपको पोस्ट द्वारा नहीं भेजा जाएगा, ऑनलाइन ही जारी होगा वेबसाइट से। आप वेबसाइट पर जा कर के डाउनलोड कर पाएंगे। वो पहले का टाइम था जब भेजा जाता था, और उसके लिए कोई DA TA आपको नहीं दिया जाएगा, यानी ट्रेवल अलाउंसमेंट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा रिटर्न टेस्ट के लिए। आपको अपने खर्चे पर आना है, अपने ही खर्चे पर आपको पेपर देना है। बात की जाए एज क्राइटेरिया की, तो एज क्राइटेरिया 18 साल इसमें दिया गया है मिनिमम, और बाकी इसमें एज रिलैक्सेशन एज पर द रूल आपको दिया जाएगा कि इसमें क्या होना है। और मैक्सिमम एज इसमें 40 साल की दी गई है एज लिमिट, तो 18 से 40 वाले आराम से अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए इसमें बताया गया है कि क्या क्या इसमें
सीटें हैं, द शेड्यूल ट्राइब एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और अदर कैटेगरी रिजर्व रिजर्वेशन आपको इसमें मिलने वाला है। बात की जाए एजुकेशन में क्वालिफिकेशन की, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है, सेंट्रल क्वालिफिकेशन क्या इसमें मांगी जा रही है, ये मुख्य चीज़ है जिसके विषय में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर की जो है ग्रुप बी है, और इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया बीएससी होना चाहिए ऑनर्स के साथ, नर्सिंग या बीएससी होना चाहिए नर्सिंग इंडिया किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और साथ में रजिस्टर्ड एज ए नर्स एंड मेडवेयर मेडवाइफ इन स्टेट इंडिया ऑफ नर्सिंग काउंसलिंग, यानी आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए एज ए नर्स मेडफील्ड मेडवाइफ में, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ये आपको अपने स्टेट में पता करना होगा कहाँ काउंसलिंग का या रजिस्ट्रेशन होता है नर्सिंग का, वहाँ आपको ये करवाना अनिवार्य है। और दूसरा, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए जर्नल का, जर्नल नर्सिंग का, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं, पर रजिस्ट्रेशन आपके पास फिर भी होना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये था इसमें क्वालिफिकेशन एरिया दोनों के लिए, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये कंप्लीट होना ज़रूरी है कि आपको कम से कम इस चीज़ के बारे में पता रहे कि क्या आप क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है, सो दैट आप उसे अप्लाई करें। ऐसा ना हो फॉर्म भरते समय आप फॉर्म भरने के लिए निकल जाओ, फिर आपको पता चले कि ये चीज़ें हमारे पास है ही नहीं, ये वेरिफिकेशन के टाइम पे प्रॉब्लम आए। ये एप्लीकेशन शेड्यूल एक्सट्रक्चर, ये आपको फ़ीस का बता ही दिया गया था, दोबारा एक बार फीस का आया है नोटिफिकेशन में कि क्या फ़ीस रहने वाली है, क्या उसका क्राइटेरिया रहने वाला है। एज लिमिट के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि मैक्सिमम 40 होगी और मिनिमम 18 साल होगी, इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। रिजर्वेशन क्राइटेरिया की भी हमने बात कर ली है। जो CVT टेस्ट है वो भी आपको ऑनलाइन देने होंगे, ऑनलाइन उसका भी आएगा। बात की जाती है, कर लेते हैं इसके सब्जेक्ट्स के बारे में, तो क्या सब्जेक्ट होने वाले हैं, क्या इसमें आपको क्वालिफिकेशन किस विषय में आपको स्टडी करनी है, किसकी तैयारी करनी है। तो 60 मार्क्स का होने वाला है ये टोटल एग्ज़ाम। इसमें जो आएंगी चीज़ें वो क्या क्या आएंगी, जर्नल इंग्लिश आ जाएगा 10th मार्क्स का होगा वो, और साथ में सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगी 60 मार्क्स का वो होगा, यानी GNM ANM और बाकी मेडिकल से रिलेटेड जो भी होता है वो आएगा। थोड़ी सी रीजनिंग भी होने वाली है 10 मार्क्स की, वो भी होगी, और GK तो सभी एग्ज़ाम्स में अनिवार्य है तो वो तो आता ही है, 10 मार्क्स का होगा, और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 10th नंबर का होगा। टोटल 100 मार्क्स का आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। बाकी इसके मेरिट वगैरह की अभी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि इससे रिलेटेड कोई मेरिट होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स एक बताया गया है इसमें कि CBT के अकॉर्डिंग जो जर्नल कैटेगरी के हैं रिक्वायरमेंट विल 50% और अनरिजर्व, यानी 50% अनरिजर्व के होने चाहिए, और वहीं EWS OBC के 45% होने चाहिए, और SC ST कैंडिडेट और बैकलॉज के 50%, OBC के 45% होने चाहिए। तो ये इसका क्राइटेरिया रहने वाला है, तो आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। ये टेंसिटिव होता है दोस्तों, ये वैकेंसी के साथ और कितने लोगों ने अप्लाई किया है उसके साथ ये चेंज भी हो जाता है, तो इसको आप कंफर्म मान के ना चलें, इसमें थोड़ी बहुत फेरबदल हो जाती है। मिनिमम बताया गया है, मैक्सिमम इसमें कुछ भी हो सकता है, और ये ऊपर ही जाता है नीचे नहीं जाता, तो तैयारी में कमी ना करें इसको देख करके कि इतना कम मांगा गया तो हम इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। इसकी मेरिट जब आएगी तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी ईमेल के जरिए, और बाकी नोटिफिकेशंस भी आपके आ जाएंगे, टेक्स्ट मैसेज भी आएगा इसके रिगार्डिंग। इसकी मेरिट जब आएगी तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी।
तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नई वैकेंसी या टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।